गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा लोयाबाद। कनकनी की एक आउटसोर्सिंग कंपनी। बाल बाल बचे आउटसोर्सिंग कंपनी के डायरेक्टर रामा अवतार सिंह। एसएसपी ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी में नई आउटसोर्सिंग कंपनी में कंपनी के डायरेक्टर रामा अवतार द्वारा आज भूमि पूजन कर रहे थे। इसी दौरान दर्जनों राउंड गोली फायरिंग और बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल नियोजन मांगने के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में धनबाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये तो समय बताएगा, पर इस घिनौनी घटना की हर ओर निंदा हो रही है। इस घटना से कंपनी के कर्मचारी दहशत में हैं और पिछले 15 दिनों से गतिरोध बनी हुई है। वहीं धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इस संबंध में जो तरह तरह की वर्सेस इसमें सामने आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इस संबंध में हमने थाना को कहा है कि जो संबंधित एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जो भी यथोचित न्यायोचित कार्रवाई है वो न्यायोचित कार्रवाई। अपराध नियंत्रण के संबंध में हम लोगों ने जो डिफरेंट हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा गया, सारा रिकॉर्ड अपडेट होगा और सभी ऐसे अपराधकर्मी जो जेल में हैं या जेल के बाहर हैं सबके विरुद्ध वर्तमान में क्या वो लोग क्या कर रहे हैं उसकी एक पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे और उसी के अनुसार फिर आगे लंबित मामलों पर हम लोगों ने विशेष ये किया, खासकर जो 10 साल या 5 साल से पुराने केसेज हैं उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और उसके लिए भी एक विशेष टास्क दिया गया है जिसमें उसी के हिसाब से फिर बाकी केसेज जल्द से जल्द हम लोग उसका निपटारा कर सकते। अगर इसी तरह की फायरिंग और बमबाजी की घटना होती रही तो 2000 करोड़ निवेश कर रही खनन करने में जुटी कंपनी वापस चली जाएगी तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, इससे रोजगार का नुकसान ग्रामीणों को ही होगा। इस तरह की घटना धनबाद में आम बात हो गई है। इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो इस तरह की कंपनी यहां के पालयान कर जाएगी जिससे यहां की आम जनता को भारी नुकसान होगा। यहां देखिए अभी जाइए ना, आइए ना नीचे। आज सुबह में रामोतार माइनिंग का कनकनी कांटागढ़ के पास भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। भूमि पूजन हमारा संपन्न हो गया था उसी वक्त आपके अरुण चौहान खिलवाड़ा लगभग 20 से 25 की संख्या में लोग आए और उन लोग के द्वारा लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग कट्टा बंदूक के माध्यम से और बम जो होता है बम छोड़ के वहाँ से डराया गया, हटाया गया एवं उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया और उनके तरफ से गाली गलौज बहुत गंदी तरह से गाली गलौज भी दिया गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से किसी प्रकार से निकल के हम सुरक्षित रूप से थाने में आ गए। फिर थाने प्रभारी के बाद जब हम वहाँ पर गए थाना प्रभारी हम लोग को लेके वहाँ पर गए दोबारा तो फिर हम लोग को वहाँ पर जो पूजा के सामग्री का सामान था वो सब हम लोग का वहाँ से हटा दिया गया था या चोरी कर लिया गया था। उसके अलावा फिर हमारा जितना भी वहाँ पर जूता था फिर उसके बाद मेरा पर्स था जिसमें कुछ पैसे थे वो सब मतलब वहाँ से गायब था। इस विषय को लेकर आज हम थाने प्रभारी के सर के पास अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा। आप पर भी आरोप लग रहा है कि आपने महिलाओं के साथ छेड़खानी बदमाशी, यह जाँच का विषय है और प्रशासन उन लोगों के माध्यम से भी यहाँ पर शिकायत दर्ज हुआ है। प्रशासन स्वतंत्र है हमारे को जांच करने के लिए। मैं सुबह कंपनी में कितने बजे आया था, मेरे फ़ोन की लोकेशन चालू है, मैं कब कितने बजे कहाँ था, कितने बजे आया हूँ, कितने बजे मैं पूजा हुआ है, कितने बजे सब चीज़ का मैं एक एक रिपोर्ट सर के पास में जमा कर दिया हूँ, प्रभारी सर के पास। आप इसके बारे में यदि मैं उनके साथ गलत कार्य किया हूँ या मैं छिड़काने किया हूँ या हमारे कंपनी के लोग छिड़काने किए हैं तो प्रशासन स्वतंत्र है और जांच कर सकती है, जाँच करके उचित जो कार्रवाई होती है मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप कंपनी में क्या? मैं रामोतार माइनिंग का इंचार्ज। क्या नाम हुआ? सूरज सिंह। नियोजन का हम लोग ग्रामीण हैं और यहाँ नियोजन की मांग करने आए हैं शांतिपूर्ण और हम लोग चाहते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार ना मिले क्योंकि यहाँ के लोग प्रभावित होंगे इस कंपनी से, तो यहाँ के लोगों को सर्वप्रथम काम मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए।
और बाहरी लोगों को यहाँ पर हम लोग घुसने नहीं देंगे। यहाँ पे यहाँ के लोग काम करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर प्रभावित होंगे। कंपनी हम लोग कंपनी तरफ से हैं और चाहते हैं कि कंपनी भी हम लोग तरफ से रहे। कम से कम यहाँ पर रोजगार आया है तो रोजगार सारे लोगों को मिले, ग्रामीणों को मिले, और बाहरी दलालों से इस कंपनी को भी बचाना है हम लोगों को। अभी एक घटना घटी है, कंपनी का कहना है कि यहाँ पे गोली बम चलाया गया है। ऐसा तो बात नहीं है, हम लोगों को पता, हम लोग ग्रामीण हैं, सोते उठे तो पता चला कि गाड़ी आई है तो हम लोग सब देखने आ गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों का नियोजन का मांग है? जी, नियोजन का मांग है हम लोगों को।